अंजाम जानते हुए भी सेम कहानी दोहराने जा रहा है अनुज कपाड़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अनुज की बड़ी फैन हूँ दोस्तों, आप सबसे भी बड़ी, क्योंकि मैं अनुज के पद चिन्हों पर चल रही हूँ। और पद चिन्हों पर चलने का मतलब यह है कि मैं अनुज की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि अंजाम तो मुझे पता है इस वीडियो का कैसे रिएक्शन आने वाले हैं, मगर काम तो काम है। तो आज मैं इसी बात को करने वाली हूँ जो आज अनुज ने आज के एपिसोड में की है, जो श्रुति के थ्रू हमें पता चली है। तो अंजाम तो अनुज को पता है कि इस कहानी का क्या होने वाला है, क्योंकि अभी उसी अंजाम को वो भुगत रहा है। तो हमें भी पता है कि क्या होने वाला है, मगर हम भी मजे से देखेंगे, आप भी मजे से देखेंगे, तो इसमें चर्चा भी मजे से करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज श्रुति ने जो कहा अनुपमा से, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि हम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं आद्या की वजह से, मेरे और अनुज के बीच में। तभी अनुपमा को भी अपनी फ्लैशबैक याद आई, मगर अनुपमा जो माँ है उसने फिर बच्चे का कसूर नहीं निकाला। उसने कहा कि हालात ऐसे होते हैं, जो भी अनुपमा कहती है। मगर यहां पे ना तो मैं श्रुति की बात कर रही हूं, ना ही मैं अनुपमा की बात कर रही हूं। यहां पे मैं उस पिता की बात कर रही हूं जो अपनी बेटी के पीछे पागल है, जिसके लिए एक ही मोटिव है, आद्या, और सिर्फ आद्या। श्रुति हो, अनुपमा हो, कोई भी हो, आद्या होनी चाहिए। यहां पे वो श्रुति से शादी तक की बात कर रहा है, हंसी हंसी खुशी खुशी बताती है श्रुति की शादी करने वाले हैं, मगर उसके अंदर डर बैठा हुआ है श्रुति के अंदर, और डर बिल्कुल सच्चा है। उसको नहीं पता कि ये सामने खड़ी औरत अनुपमा है, जो इसी जर्नी में से निकल के आई है। मगर इन दोनों के बारे में और अपने बारे में अनुज कपाड़िया जानता है, तो क्या फिर से वही दोहराने की गलती नहीं है अनुज कपाड़िया की, जब उसको पता है कि अभी शादी से पहले ही हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं आद्या को लेके कि श्रुति ने शायद नहीं अटेंड किया, या वही जो प्रायोरिटी का रोना रोते रहते हैं, प्रायोरिटी नहीं दी, वही चीज फिर से आ जाएगी। तो क्या फिर से ये सब नहीं होगा? एक दिन फिर से आद्या खड़ी होकर नहीं बोले क्या, आई हेट यू श्रुति, निकलो मेरे घर से बाहर, जैसे वो रिएक्ट कर रही है आजकल, क्योंकि अभी तो आद्या ज्यादा रिएक्ट करती है ना, तो वो वैसा नहीं करेगी। तो क्या अनुज कपाड़िया किसी एक और जिंदगी से नहीं खेल रहा है? अंजाम पता है, अभी अभी हुआ है, 5 साल पहले ही अंजाम भुगता है आपने, कि आपकी पसंद, आपका 26 साल का प्यार ही आपकी आद्या का ध्यान नहीं रख पाया, तो ये क्या रख पाएगी श्रुति, जो कि करियर ओरिएंटेड वुमेन ऑलरेडी है। तो मुझे हंसी आती है इस बात को लेके कि हम समझते थे कि अनुज एक समझदार इंसान है, सब कुछ है, मगर इमोशंस में अपनी बेटी को लेके इतना पागल है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब अनुपमा जितना ध्यान तो कोई भी मां नहीं रख सकती, जितना हमने इस धारावाहिक के जरिए देखा है, छोटी छोटी बारीकियों को समझती है अनुपमा, चाहे पूरा दिन ना मिले अपने बच्चों से, मगर एक पल जब मिलती है तो बच्चा पूरा का पूरा अनुपमा के साथ ही होता है, वो भी पूरा साथ होती है। तो ये सारी चीजें कहां से आई? अनुपमा से ही आई है। आज अनुपमा की जरूरत क्यों है सबको? और यही चीज अब श्रुति के साथ होने जा रही है। अगर आज श्रुति की शादी हो भी जाती है तो क्या जो अपना अनुज है, क्या श्रुति को पत्नी वाला प्यार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब ये श्रुति की चॉइस है, वो करना चाहती है, अपना प्यार है उसको, वो पाना है प्यार को, जो भी है उसका अपना है, मगर इसका अंजाम क्या होगा? एक मैच्योर इंसान ये सोचे तो सही कि ये जो बच्ची, इसके लिए मैं एक के बाद एक मम्मियां बदलता जा रहा हूं, तो क्या ये बच्ची इसके लिए रेडी है फिर से? मतलब अपनी ही बच्ची के बारे में नहीं जानता है अनुज कपाड़िया, और फिर से एक दूसरी मम्मी खड़ी करने की बात कर रहा है। तो ये तो भैया वही रेपिटेशन है स्टोरी की, कि अगर हो जाती है ये शादी, खुदा ना खास्ता अगर हो जाती है, तो फिर से यही चीजें होंगी, वही छोटी की पोजेसिवनेस, वही उसका, अभी आज उसकी बेचारी की असाइनमेंट कैंसिल हो गई है, वो जो भी कह रही थी, रोना रो रही थी अपना, और जेन्युइन था उसका कि दिन ही खराब हुआ,
क्यों हुई असाइनमेंट इस तरह से नहीं हुई, अच्छे से प्रेजेंट नहीं की होगी, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे टेंशन वाले। मुझे तो बड़ा सैड सा फील हो रहा है इसके लिए कि अगली अनुपमा बनने जा रही है ये श्रुति, जो फिर से फ्लॉप हो गए, ऐसे ही धक्के खाती फिरेगी, और ये दोनों बाप बेटी फिर अमेरिका से यूरोप चले जाएंगे, हम वहां पे शांति से रहते हैं, हमें नहीं चाहिए श्रुति, हमें नहीं चाहिए, मेरी बेटी को ट्रॉमा हो गया, हमें नहीं चाहिए। तो मुझे तो सच में हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये क्या मैसेज है, ये क्या है। क्योंकि आज सुबह एक वीडियो मैंने डाला था, तो मेरी जो है एक मेरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि ये देखिए क्या कमेंट है आपके लिए, बड़ी अच्छी सुजेशन भेजी, मजाक मजाक में उन्होंने मुझे बोला। मैंने पढ़ा, एक बड़ी रिस्पेक्टेड वुमेन है जो करती है, कमेंट करती है, मगर वो कमेंट जरूर करती है, करना चाहिए, मैं खुद कहती हूँ कि आप अब वीडियो पे कमेंट कीजिए, मगर वो कमेंट में स्टायर जिस तरह से करती है मुझे बहुत मजेदार लगता है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात मान के चलती हूँ कि जो आपके पास है वो आप देते हो, जो मेरे पास है वो मैं दूंगी, क्योंकि जो मेरे पास है ही नहीं मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो कनिंगनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब उनका ये कहना है कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने क्या कहते हैं बातों से, जो वर्ड्स हैं कि अनुज की वीडियो आती है तो मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर करके मैं बोलती हूँ। तो मैं तो हैरान हुई कि मतलब मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि उनके कमेंट काफी अच्छे होते हैं। आज का कमेंट पढ़ के वाकई में मुझे हैरानी हुई, मैंने उनको आंसर भी किया, क्योंकि नॉर्मली मैं आंसर करती नहीं हूँ, बट कभी कभी कोई कमेंट होता है जिनको हम तवज्जो देते हैं और कभी कभी ध्यान में आ जाता है, पढ़ती हूँ तो हो जाता है, जवाब दे देती हूँ मैं। तो मैंने वो जवाब उनको तो दिया, मगर उनके कमेंट के जरिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ पे बैठ के बोलती हूँ ये मेरा काम है, दिस इज माय जॉब, और मेरी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। अगर वो महिला लाइव वीडियो में नहीं आती है या आती है तो बोलती नहीं है, तो जरूर आप बताइए कि आप लाइव वीडियो में सुनती हैं। मैं तो अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस के साथ बात करती हूँ, तो मेरी लाइफ में एक ही अनुज है जो मेरे साथ है, मेरा पार्टनर है भाई, और हैप्पीली हम लोग रह रहे हैं। तो जो भी मैं कहती हूँ वो धारावाहिक के जरिए ही कहती हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव वीडियो में होती हूँ, जब मुझे अपनी बात समझानी होती है, अगर कोई मेरे दिल में ऐसा घाव होगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, खास करके आपसे तो जरूर शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे ये सुजेशन दी है। और वो कहती है कि अवॉइड कीजिए अनुज को, मतलब मुझे हंसी आती है कि ये अथॉरिटेटिव जो नेचर है, जिनकी भी है, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, वो खुद ही समझ जाएंगी अगर वीडियो देखेंगी, कि ये अथॉरिटेटिव नेचर कहां से आती है। क्योंकि मैंने यहां पे देखा है कि मान के फैन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मान के फैन, मगर यहां पे अनुज के फैन जो है वो सिलेक्टिव है, मगर जो सिलेक्टिव है उनको अनुज के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूं कि अनुज कोई रियलिटी शो में नहीं है भाई, आपको उसके लिए वोट नहीं करना है, जो जय जयकार करनी है, जहां गलत है बोलो, हम सब बोलते हैं, मेरी कई बहनें दोनों को बराबर पलड़े में तोलती हैं, जब वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये सिलेक्टिव जो अथॉरिटी लेके बैठे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, मैं तो जेस्चर करती हूँ, बोलती, यही मैंने कहा भी है, तो मेरे पास तो माध्यम है, आपके पास आपके वर्ड्स हैं, उससे भी बहुत कुछ झलकता है। तो कृपया अपना जो है खून जलाना बंद कीजिए, मेरा यही कहने का पूरे लास्ट चंक में मकसद है, खून जलाना बंद कीजिए। मैं अगर बोलती हूँ, मैं बोलने के बाद मेरा सब कुछ शांत हो जाता है, एक सीन देखा, सीन देखे मन हुआ कि ये बात करनी चाहिए, इस बात से मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ। तो आज ये जो देखा मैंने इसमें यही था, और मैं अब जब तक ये सीरियल चलता है मैं तो अनुज की बात करूंगी भाई, क्योंकि सीरियल का हिस्सा है भाई, या तो अनुज सीरियल छोड़ दे, उसका करेक्टर खत्म हो जाए तो मैं भी बात करना खत्म कर दूंगी। हाँ, फ्लैशबैक में जैसे सीरियल में बात होती मैं भी करूंगी, मगर ये अप्रोच गलत है भाई आपकी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी अप्रोच गलत है। अनुज के आगे भी दुनिया है, अनुज के पीछे भी दुनिया है, अनुज के साथ भी दुनिया है, जो अनुज के साथ चलती है उसको भी देखिए, उसके साथ भी रहिए, तो आपको समझ में आएगी एक वुमेन की पेन।
तो खैर ये मुझे कहना था, मे बी लाइव वीडियो में भी मैं इसको कवर करूंगी और भी ज्यादा और इलेबोरेट करूंगी, क्योंकि ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सफर करते हैं घर बैठे बैठे ही, मगर अपनी सफरिंग छुपाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि आप सफर कर रहे हो, ताकि वो अपनी सफरिंग को क्लियरली दूसरे पे डाल सके। ये भी एक अलग ही एक इमोशन है। तो अब ये कहानी जो अनुज ने शुरू की है नई वाली, जो कि पुरानी की रेपिटेशन है, तो देखते हैं ये कहानी कहां तक पहुंचती है। तो मेरा आज इस वीडियो में ये कहना था आपसे, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.